गुड मॉर्निंग एवरीवन. बच्चे आज हम रैशनल नंबर्स की रिवीजन करेंगे. मैं थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस असाइनमेंट में से आपको करवा रही हूँ. राइट, डोंट वरी इफ़ यू डोंट हैव असाइनमेंट विद यू, दैट्स ओके. मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रही हूँ, आपको साथ साथ हम सॉल्व करेंगे उसको. राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं. क्वेश्चन नंबर वन, वेरीफाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स. Verify x plus y is equal to y plus x. A part I'm going to do, and the value of x is 2/3, whereas the value of y is 3/5. Right? The value of x and y is given to us, and we have to verify that x plus y is equal to y plus x. So, bache, in this, what we have to do, जब भी हमें वेरिफिकेशन करनी होती है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन द राइट एज वेल एज द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, सो आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट. लेफ्ट हैंड साइड इट्स एक्स प्लस वाई, सो 2/3 प्लस 3/5. सिंस द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, सो विल टेक एलसीएम. इट कम्स आउट टू बी 15, सो दिस इज 10 प्लस 9, सो दिस कम्स आउट टू बी 19/15. दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. Now let's solve the right hand side. Right hand side is y plus x. Okay, so now y plus x means 3/5 plus 2/3. Again we'll take LCM. This comes out to be 15. So 9 plus 10, that is 19/15. Right? So both the sides are equal. Left hand side is equal to right hand side. Left hand side is equal to right hand side, hence verified. Okay, so ये question one था, ये आपने note कर लेना है. इसका B part जो है, same question है, verify x plus y is equal to y plus x. तो इसके लिए x की values है हमारे पास, x is 7/9 and y is minus 2/9. Okay, you have to substitute the values and get the answer. Right? Aur bachche apni PDF cubes and cube roots along with Euler's formula dono bana ke aap mujhe send kar doge. ठीक है, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स एंड यूलर्स फॉर्मूला दोनों बना के आप मुझे सेंड कर दोगे, फिर देन आई चेक योर नोटबुक्स. ये एक्स बी पार्ट जो है, ये आपने खुद अपना प्रैक्टिस के लिए मैंने लिखवाया है. आप किसी भी टाइम आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑल राइट, नाउ आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू नोट डाउन. जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, देन विल प्रोसीड फर्दर. बी फास्ट. Anyone in the class जिसने ये नहीं नोट किया है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू इज राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको कुछ नंबर्स गिवन है. ए पार्ट इज 3/7, बी पार्ट इज -5/11, सी पार्ट इज 15/-7 एंड डी पार्ट इज -7/-3. यू हैव टू फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ऑल द नंबर्स. वी वॉट इज एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स मीन्स नेगेटिव, जो मतलब वी हैव टू चेंज द साइन. इफ इट इज पॉजिटिव तो इट विल बिकम नेगेटिव. एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, जब भी आपको एडिटिव इनवर्स या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आएगा, आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व द एक्सप्रेशन फर्स्ट. राइट, सो दिस इज 3/7, इसका एडिटिव इनवर्स -3/7 आ जाएगा. दिस इज -5/11, इसका एडिटिव इनवर्स 5/11 आ जाएगा. अब टू मैंने कर दिए हैं. रेस टू, रेज योर हैंड्स, जिसको आता है रेज योर हैंड्स. रेज योर हैंड्स मैम, अनम्यूट कर दो एक जयादित्य को और एक जसमिलन को. जयादित्य एंड जसमिलन. जयादित्य सी पार्ट आप बताओगे बेटा.
7/15 आएगा. क्या आएगा? 7/15. 7/15? Yes. No. क्या फाइंड आउट कर रहे हो जयदित्य आप? मैम एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स में क्या हमें रेसिप्रोकल भी लेना होता है? Only we need to change the sign. Only sign is to be changed. Nothing else. So क्या आएगा जयदित्य इसका एडिटिव इनवर्स? आप ही 15/7. Yes, 15/7. Only negative will become positive. So this is 15/7. Now next, just Milan. -7/3. -7/3? No. सबसे पहले दोनों yes, सबसे पहले दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. -7/3 is 7/3. सो इसका जो एडिटिव इनवर्स है वो आ जाएगा -7/3. ठीक है, स्टेप्स को स्किप नहीं करना जस्ट मिलन. ओके, अदरवाइज आपका करेक्ट था. ओके मैम. यस बच्चे, जल्दी से नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट करते हैं. डू इट फास्ट, देन विल डू द नेक्स्ट वन. Do it fast, then we'll do the next one. Okay, now next is question number 3. Question number 3. Question 3, I'm writing both the parts on the board. Question 3, A part is multiply 6/11 by the additive inverse of 11/4, right? And the B part is multiply 5/12 by the reciprocal of -5/3. So let's do A part first. हमें क्या बोला है? मल्टीप्लाई, हमें मल्टीप्लाई करना है. किसको मल्टीप्लाई करना है? 6/11 by the additive inverse of 11/4. सबसे पहले एडिटिव इनवर्स ऑफ 11/4 is -11/4. नाउ हमें प्रोडक्ट करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है. सो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 6/11 मल्टीप्लाई 6/11 बाय द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस. सो 6/11 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -11/4. 11 और 11 की कटिंग हो गई. 2 2s are 4, 2 3s are 6. सो आंसर इज -3/2. सो द आंसर इज -3/2. Now next is your B part. It is again very simple question. Multiply 5/12 by the reciprocal of -5/3. So B part में सबसे पहले हम क्या find out करेंगे? Reciprocal of -5/3. Reciprocal means we have to flip the numerator and denominator. That's it. सिर्फ numerator और denominator को हमें interchange कर देना है. So आप इसको -3/5 भी ले सकते हो और 3/-5 भी ले सकते हो. One and the same thing. So once we get the reciprocal, then next step is multiplication. हमें product find out करना है. किसका product? 5/12 and -3/5. 5 will cancel out with 5. 3 1s are 3, 3 4s are 12, and the result is -1/4, and the result is -1/4. Any doubt in this question to anyone? If you have any doubt in this question, please raise your hand. Be fast, note it quickly so that we can do the next one. Be fast, everyone.
anyone in the class जिसका नहीं हुआ, shall I rub the board? Anyone जिसका नहीं हुआ? Okay, fine. Pranav, be fast बच्चे. Pranav, be fast. कितना टाइम नहीं लगना चाहिए. Now next is question number 4. मैं question रब कर रही हूँ प्रणव, जल्दी से solution note down कर लो. Next is question number 4. Question 4 is x is equal to 2/3, y is equal to 3/4 and z is equal to -1/3. Find the value of the expression x minus y minus z is equal to x minus y minus z. X minus y minus z. They are saying find the value of this. Find the value of this expression. Also examine the equality. Also examine the equality of the expression. अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझना. आई डोंट रिमेंबर द नेम. देर वॉज वन गर्ल इन योर क्लास. एक्चुअली देर इज़ वन गर्ल इन योर क्लास हु यूज़ टू आस्क मी अबाउट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि मैम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे करनी है. तो उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि बच्चे इस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे एंड वी विल डू इट. सो दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देखो पहले ब्रैकेट x माइनस y पे है, फिर y माइनस z पे है, राइट. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेसिकली डील्स विद द चेंज ऑफ ब्रैकेट्स. सो यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी है. राइट हैंड साइड में x माइनस y माइनस z कितना आ जाएगा? 2/3 माइनस 3/4 माइनस 1/5. व्हाट डज इट मीन? कि पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राइट. तो 12 एलसीएम आ जाएगा. 8 माइनस 9 माइनस 1/5 माइनस 1/12 माइनस 1/5. यहाँ पे 60 एलसीएम आ गया. माइनस 5 माइनस 12. So this comes out to be minus 17/60. All of you know how to solve fractions. You are doing it from 5th standard. ठीक है. तो इसलिए I am little fast here. क्योंकि आपको fractions को solve करना आता है. You know if they are unlike fractions, you have to take the LCM and then you have to proceed accordingly. Right now left hand side. In left hand side. Sorry, I have taken it. This is the left hand side. Now I'll take the right hand side. Right hand side is x minus y minus z. Now see the difference. Bracket is in y and z. So you have to solve the expression first. I mean, you have to solve x, y and z first. So this is 2/3 minus 3/4 minus of minus 1/5. So this comes out to be 2/3 minus 3/4 plus 1/5, because minus minus is plus. So 2/3 minus, we'll take LCM here, 20, 15 plus 4. So this comes out to be 2/3 minus 19/20. Again we have to take the LCM here because they are unlike fractions again. So LCM comes out to be 60. So this is 40 minus 57, right? So when you subtract, this comes out to be -17/60, right? Answer kitna aa gaya? -17/60. Now you can see ki is case mein associative property work kar rahi hai. It is working in this case, right? Kar rahi hai na work. बट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में ऑलवेज वर्क नहीं करती, राइट. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? इफ यू हैव एनी डाउट. नाउ दे आर सेइंग ऑल्सो एग्जामिन द इक्वलिटी. सो येस दे आर इक्वल. इक्वलिटी एग्जामिन द इक्वलिटी मीन्स वी हैव, यू हैव डाउट इन एनी
any of the questions you can ask. यहाँ पे बच्चे देखना जरा, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है बिकॉज यहाँ माइनस है, दिस इज माइनस वन बाय फाइव, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, और जब आप इनको माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, माइनस, दिस कम्स आउट टू बी सेवन बाय सिक्सटी. वेरी गुड नंदिनी. बच्चे किसी ने नहीं नोटिस किया कि मैंने यहाँ पे जेड को वन बाय फाइव ले लिया इंस्टेड ऑफ माइनस वन बाय फाइव. प्लीज मेक द चेंजेस, इट इज माइनस वन बाय फाइव, सो माइनस माइनस इज प्लस, सो दिस कम्स आउट टू बी सेवन बाय सिक्सटी एंड राइट हैंड साइड इज माइनस सेवनटीन बाय सिक्सटी, सो दे आर नॉट इक्वल, राइट? सो एग्जामिन द इक्वालिटी में यू विल राइट दैट द बोथ एक्सप्रेशंस दे आर नॉट इक्वल, right? The two expressions are not equal. Please make the changes accordingly. Very good, Nandini. I hope this is done. So मैं इसको रब कर रही हूँ, right? We'll do fifth question now. Next. Question 5 is for the following values of x, y and z, verify x into y into z is equal to x into y into z. So question number 4, in question number 4 it was associative property of subtraction, now is associative property of multiplication, right? So in A part the values of x is 1 by 2, y is minus 2 by 3 and z is 3 by 7. The values of x, y and z are given to you, right? Values of x, y and z are given to you. So you have to solve the associative. You have to solve it. It is an associative property. Come on, do it fast. Left hand side, right hand side. Leke aap isko solve karoge. Bachche, today you will get your practice assignment of maths at 12:15 p.m. right? You have to solve that assignment. No need to send it to me. And first of all, attempt the Google form, right? Because it will be closed after 1 hour. So, pehle aap Google form attempt karoge, then you will solve the PDF, jo subjective paper hoga, and keep it with you. You will get the answer key on the very next day, right? Don't send it to me. जल्दी से सॉल्व करोगे और आप मुझे आंसर बताओगे. x into y into z, जिनका हो गया है रेज योर हैंड. दोज हु हैव डन प्लीज रेज योर हैंड. यस, 1 बाय 2 इंटू माइनस 2 बाय 3 इंटू 3 बाय 7. यस, वेरी मच करेक्ट. 1 by 2 into minus 2 by 3 into 3 by 7, yes. Ma'am, फिर 2 से 2 कट जाएगा. Yes, of course, 2 से 2 cancel हो जाएगा और हमारे पास bracket में क्या आ जाएगा? Minus 1 by 3 into 3 by 7. Yes, minus 1 by 3 into 3 by 7. Again, 3 will cancel out with 3. What will we get? Minus 1 by 7. Yes. Now, right hand side. Again in right hand side we'll substitute the values. X is 1 by 2, y is minus 2 by 3 and z is 3 by 7. Yes, Jatin. Ma'am, 3 se 3 kat jayega. Yes, first of all we'll solve the bracket. 3 will cancel out with 3. 1 by 2 into minus 2 by 7. Yes. Ma'am, phir 2 se 2 kat jayega. Minus 1 by 7. Yes. So left hand side is equal to right hand side, hence verified. Left hand side is equal to right hand side, hence verified.
के नाम राइटिंग क्वेश्चन नंबर सिक्स यू विल सॉल्व इट एंड देन विल डिस्कस क्वेश्चन सिक्स इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वी हैव टू शो दैट x into y plus z is equal to x into y plus x into z where is the values of x for a part is 1 by 2 y is 3 by 5 z is minus 2 by 7. These values are given to you. You have to substitute the values and you have to verify it whether the two sides are equal or not. Be fast. Jinka ho jayega, they'll raise their hands. Ma'am, 1 by 2. Bracket mein 3 by 5 plus minus 2 by 7. Wait. Left hand side. 1 by 2 bracket 3 by 5 plus minus plus 2 by 7. Right. Ma'am, 1 by 3, 1 by 2. Yes. Into 3 by 5. You are solving it, you are solving the both sides simultaneously? Yes, ma'am. Okay, fine. Okay. Into 3 by 5 plus? Yes, ma'am. Ma'am, plus 1 by 2? Yes. Into minus 2 by 7? Yes. Janvi, please. Ma'am, then 1 by 2? Fast. Yes. 1 by 2? Yes. Into 21 plus minus 10? Yes. Over 35. Yes. Hurry up, be fast. Bache, we are left with only 2-3 minutes. 3 by 6. 3 by 10. Yes. Plus minus 2 by 14. Bache, cancel 2 with 2, you'll get minus 1 by 7. Yes, ma'am. Try to simplify. Ma'am, then? Yes. 1 by 2. Yes. Into 11 by 35. Yes. Is equal to 21. Yes. Plus minus 1. Minus 10, bache, by 70. By 70. 11 upon 70 is equal to 11. 21 minus 10. Yes, bache, 11 by 70 is equal to 11 by 70, hence verified. So, this was the verification of distributive property, right? I hope it is clear to everyone.